बीकेपी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमरावती में स्थिति काबू में है, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की जानकारी, घायल जवानों से गृह मंत्री ने की मुलाकात। गढ़चिरौली हमले में घायल जवानों से पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात, पालक मंत्री ने जाना जवानों का हालचाल। और नागपुर शहर में धारा 144 के तहत कड़े निर्बंध, पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को नागपुर में पत्र परिषद ली। इस दौरान उन्होंने अमरावती में हुई हिंसा और गढ़चिरौली मुठभेड़ समेत कई मुद्दों पर बात की। पत्र परिषद में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अमरावती में स्थिति अब नियंत्रण में है। अमरावती में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में दंगाइयों पर नजर रखी जा रही है। वही उन्होंने कहा कि जो दंगा फसाद करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु या ज्या घटना घडल्या, मग आदल्या दिवशी घडल्या, दुसऱ्या दिवशी घडल्या, ज्याच्यामधून मोर्चे निघाले निवेदन देण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये काही हिंसक वळण पण घेतलं, या प्रकाराची जरूर चौकशी करण्याच्या संदर्भामध्ये आदेश दिलेले आहेत। गृहमंत्री पाटिल ने गढ़चिरौली में नक्सली और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुए जवानों से भी ऑरेंज सिटी अस्पताल जाकर मुलाकात की और जवानों का हलचल जाना। साथ ही उन्होंने नक्सली मुठभेड़ में शौर्य दिखाने वाले जवानों को शौर्य सम्मान से सम्मानित किए जाने की बात कही। बक्षीस आणि त्या अवॉर्ड्स या जवानांना देण्यात येतील। याच्यापेक्षा अधिक काही करायचं असेल तर त्याच्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर मग त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल। गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑरेंज सिटी अस्पताल में इलाज ले रहे नक्सली मुठभेड़ में जख्मी हुए जवानों से मुलाकात की। हाल ही में गढ़चिरौली में नक्सली और C-60 जवानों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कुछ जवान भी जख्मी हो गए, उनका नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन घायल जवानों से मुलाकात करने सोमवार को गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। उन्होंने जवानों का हालचाल जाना, जिसके बाद उन्होंने पत्र परिषद ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली में जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है, इससे देश के अन्य राज्य में बढ़ रहे नक्सलवाद को सीख मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली में अद्यावत मेडिकल सुविधा भी की जाएगी। त्यातल्या दोन जवानांशी देखील परवाच बोललो आज संध्याकाळी आणि ते स्टेबल आहेत आणि जर काही आवश्यकता लागली तर नक्की त्यांना मुंबई सारख्या मोठ्या ठिकाणी देखील आवश्यकता वाटली तर ते सर्व उपचार केले जातील। उपचारामध्ये कुठेही काही त्रुटी कमतरता असणार नाही। संपूर्ण शासन, राज्य शासन आणि मुख्यमंत्री महोदय स्वतः आणि गृहमंत्री महोदय देखील यामध्ये आपल्या या पोलिसांच्या पाठीशी आहेत। हे हॉस्पिटलमध्ये देखील हे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, यामध्ये अनेक वेळा आपले जवानांनी उपचार घेतले, सगळेजण चांगले बरे झाले। आपण अपेक्षा करूया की या हॉस्पिटलमध्ये त्यांची प्रकृती चांगली होऊन ते तत्काळ आपल्या पुन्हा पूर्ववत त्यांच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, किंवा आरोग्य आहे ते बरं व्हावं, अशा प्रकारची आपल्या सगळ्यांची इच्छा अपेक्षा आहे। डॉक्टरांनी देखील सांगितलं की यामध्ये जेव्हा सुरुवातीला दाखल केलं त्यावेळेस थोडीशी पोझिशन नाजूक होती, परंतु आता रिकव्हरी फास्ट होती आहे आणि जे काही त्यांना इंजुर्ड आहेत, जखमी झालेले आहेत, ते उपचार सुरू आहे चांगल्या प्रकारचं।
काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. एक मोठं शौर्य दाखवलेलं आहे. एक ही धाडसी कारवाई आहे. त्यामुळे मी पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री महोदय गृहमंत्री यांच्याशी बोलणार आहे की या धाडसाचं मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या माध्यमातून देखील कौतुक झालं पाहिजे आणि त्यांचा जो काही मोरल आहे त्यांना आणखी मॉरल सपोर्ट देण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यांचं कौतुक अभिनंदन केलं पाहिजे अशा प्रकारची चर्चा आम्ही स्वतःकडे. अमरावती में हुई हिंसा के बाद नागपुर शहर में रविवार रात से धारा 144 लागू की गई है. शहर में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे इसीलिए धारा 144 लगाए जाने की बात शहर के पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने कही. साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में कर्फ्यू नहीं रहेगा लेकिन एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने पर बंदी रहेगी. साथ ही सीपी ने बताया कि पुलिस की अपराधियों पर कड़ी नजर है. वही संबंधित मौलाना और धर्मगुरुओं से चर्चा की जा रही है. हा सर, काय सांगणार, संचारबंदी लागू केलेली आहे शहरात, काही इनपुट्स होते का, प्रिकॉशनरी मेजर्स आहेत? नाही, संचारबंदी लागू करण्यात आलेली नाही. 144 CRPC ऑर्डर काढण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये विशेष करून 5 किंवा 5 पेक्षा जास्ती लोकांची जमावावर बंदी टाकण्यात आलेली आहे. आणि विशेष म्हणजे जे सोशल मीडियावर पोस्ट लोकांकडून होत आहे त्यामध्ये कोणताही इन्फ्लेमेटरी किंवा कोणाची भावना भडकणारे पोस्ट किंवा र्युमर मॉंगरिंग होईल किंवा असे विना व्हेरीफाई केलेले चुकीचे पोस्ट करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. हे काही कर्फ्यूसारखे ही नोटिफिकेशन आदेश नाही आहे. ही सिर्फ रेस्ट्रिक्टिव्ह ऑर्डर्स आहे जेणेकरून शहरात शांतता आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी जे जे उपाययोजना आहे त्याच्यामुळे हे करण्यात आलेलं आहे. सर, खबरदारी घेण्यात आलेली आहे, कुठं कुठं बंदोबस्त लावला आहे, विशेषतः संवेदनशील भाग असेल किंवा ज्या काही ज्या संघटनांवर बंदी आहे त्या संघटनांवर विशेष लक्ष असणार आहे. शहरात सध्या अंदाजन 32 ते 33 ठिकाणी फिक्स पॉईंट नेमण्यात आलेली आहे जे संवेदनशील ठिकाण आहे. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पोलीस प्रेझेन्स ठेवण्यात आलेली आहे. रूट मार्चेस, फ्लॅग मार्चेस सुरू करण्यात आलेली आहे. एरिया डॉमिनेशन आमचे सुरू आहे. जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांच्यावर आमचे अत्यंत बारीक नजर त्यांच्या हालचालीवर आहे. जे धर्मगुरू आहे, मौलवीज आहे, इतर जे प्रतिष्ठित लोक आहेत त्यांच्याशी मोठ्या प्रमाणात चर्चासत्र सुरू आहे जेणेकरून कोणाकडूनही काही आपत्तीजनक कृत्य जेणेकरून कायदा सुव्यवस्था अबाधित कायदा सुव्यवस्थामध्ये अडचण होईल अशा करू नये अशासाठी पूर्णपणे चर्चासत्र पण लोकांकडून सुरू आहे. 144 ऑर्डरमध्ये बेसिकली जे ह्युमर मॉंगरिंग आहे किंवा सोशल मीडियावर आपत्तीजनक पोस्ट टाकणे किंवा भडकाऊ काही वक्तव्य करणे अशा कोणी करू नये म्हणून 144 ऑर्डर पण निर्गमित करण्यात आलेली आहे. शहरात पूर्णपणे सध्याची स्थितीत शांतता आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की नागपूरची जनता सहकार्य करून, पोलिसांना सहकार्य करून शांतता स्थापित राहील. परंतु कोणताही आपत्तीजनक हालचाली झाला तर त्यांना तोंड देण्यासाठी नागपूर शहर पोलीस पूर्णपणे सुसज्ज. सर, आंदोलन मोर्चांना आधी परमिशन दिली होती, त्यांचं काय होणार होतं, त्यांना होणार की नाही? आंदोलनला कोणताही परवानगी देण्यात आलेली नाही. ऑलरेडी कोविड नॉर्म्स सुरू आहे. कोविड अप्रॉप्रिएट बिहेवियर लोकांकडून पालन व्हायला पाहिजे अशी आम्ही वारंवार लोकांकडून लोकांना आवाहन करत आहे. तरी पण ही खरी स्थिती आहे की काही लोक परवानगी न घेता अशा प्रकारचे आंदोलन करत आहे ज्याचे कोणत्याही प्रकारचे कॉम्युनल इशूवर त्यांचे जर हे रिपरकशन्स नसतील तर अशा ते होत आहे, आम्ही कायदेशीर कारवाई करत आहे. परंतु अशा कोणताही आंदोलन किंवा अशा कोणताही जमाव ज्याच्यामुळे हिंदू मुस्लिम किंवा धार्मिक भावनावर किंवा भारतीय जनता पार्टी द्वारा केसरी राशन कार्ड लाभार्थियों को लाभ मिले इस मांग को लेकर सोमवार को भव्य मोर्चा निकाला गया. भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में शहर के यशवंत स्टेडियम से निकाले गए भव्य मोर्चे में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे. अमरावती में हुई हिंसा के बाद नागपुर शहर में रविवार रात 12 बजे से धारा 144 लागू की गई, लेकिन पुलिस विभाग ने जारी किए नियमावली में बताया कि पहले अनुमति दिए गए कार्यक्रम जारी रहेंगे. इसीलिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से केसरी राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए भव्य मोर्चा निकाला गया. इस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, प्रवक्ता गिरीश व्यास सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए थे. मोर्चा यशवंत स्टेडियम से निकलकर कलेक्टर ऑफिस तक गया. इसी मोर्चे में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था. देखिए, 20 लाख जनसंख्या है, नागरिक है जिनको रेशन नहीं मिल रहा है,
दो साल से सरकार ने ऑनलाइन जो केसरी कार्ड है उनकी योजना बंद कर दिया, ऑनलाइन उनको लेने के लिए अनाज देने वाली, इसलिए सरकार ने तुरंत सभी रेशन के कार्ड को नागरिकों को ऑनलाइन पद्धत जो बंद की उसको चालू करनी चाहिए। एनपीए जो है उनको प्राधान्य घट मिलना चाहिए। और दूसरा, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 56 रुपये में एनआरटी एनएमआरडी एरिया के 10 लाख घरों को कायदेशीर करने के लिए जीआर निकाला था, ये सरकार ने 56 रुपये का बढ़ाकर 168 रुपये किया है, जिसमें 10 लाख परिवारों को नुकसान होगा, घर बेचना पुराएगा लेकिन घर रेगुलराइज करना नहीं पुराएगा। तो सरकार ने जो काला जीआर निकाला है 168 रुपया पर स्क्वायर फीट, जो 56 रुपया था वो वापस लेना चाहिए, और जिला और शहर के 20 लाख नागरिकों को अनाज मिलने के लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन चालू करना चाहिए। पंचमौली पुलिस की टीम ने मोबाइल चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के मोबाइल भी जब्त किए। जांच अधिकारी के साथ पुलिस सिपाही नंदकिशोर वालाड़े दिन में अपनी टीम के साथ लगभग 2:30 बजे पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान लश्करी बाग समता मैदान कलकत्ता रेलवे लाइन के पास उन्हें एक संदिग्ध युवक आसपास घूमते दिखाई दिया। पुलिस ने पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुरेंद्र होले, उम्र 19 वर्ष, टिमकी नागपुर निवासी बताया, जिसके बाद युवक से पूछताछ करने पर आरोपी ने वीवो कंपनी का मोबाइल साथ ही 2,15,990 रुपए का माल बरामद किया। जानकारी के अनुसार आरोपी पर पांचपावली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पहले से 2 शिकायत और MIDC मानकापुर में 1 शिकायत दर्ज है। लश्करी बाग एरिया में समता मैदान में एक हमारे DB पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी, तो वहाँ पर एक आदमी सस्पिशियस घूमते हुए दिखा उनको, तो उसको पकड़ के इंक्वायरी की, लेकिन वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके पास एक मोबाइल भी था। जब थोरली इंट्रोगेट किया उसको, तब उसने वो कबूल किया कि वो मोबाइल चुरा के लाया है। उसका नाम पूछकर उसका मोबाइल पर कोड चेकर ऐप में उसके गुने चेक किए, तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है ऐसा सामने आया। उस आरोपी को हमने अरेस्ट करके मान्य कोर्ट से PCR लेकर थोरली इंट्रोगेशन किया। तब पाचपावली पुलिस स्टेशन से एक पाचपावली मानकापुर MIDC ऐसे 3 पुलिस स्टेशन से 3 टू व्हीलर उसने चुराया है, वो भी उससे रिकवर किया है। और उसी के साथ 3 और मोबाइल, जिसमें एक वन प्लस कंपनी का भी मोबाइल है, 3 मोबाइल और एक घड़ी, वो भी उसके पास से बरामद हुई है। और उसके बारे में उसको अधिक पूछताछ की तो उसने बताया कि जो कलकत्ता रेलवे लाइन है, तो रेल में से कुछ लोगों के मोबाइल उसने चुराए हैं। उस बारे में इंट्रोगेशन चालू है और तपास भी चालू है। आगे और इस मोबाइल के बारे में कहाँ कहाँ ऑफेंस रजिस्टर है उसकी छानबीन करके हम आगे का तपास कर रहे हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को RPF अजनी पोस्ट के ASI अरुण गजबीये, साथ में आरक्षक प्रवीण चौहान की ड्यूटी डी केबिन पर अपराध की रोकथाम हेतु लगाई गई थी। इसी बीच अज्ञात आरोपियों द्वारा गेहूं के बोरे चोरी होने का मामला उजागर हुआ और यह संपत्ति बुकशुदा रेल संपत्ति है। ड्यूटी के दौरान करीबन 5 बजे उन्होंने RPF थाना नागपुर में सूचना दी कि डी केबिन से गुरुद्वारा पुलिया के मध्य डाउन लाइन के बगल में कुछ गेहूं के बोरे गिरे हुए हैं।
सूचना मिलने पर निरीक्षक नागपुर में उप निरीक्षक मनोज धायकुड़े एवं स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर रेलवे लाइन किनारे गेहूं के कुल 6 बोरे मिले तथा डाउन लाइन के पास गेहूं के दाने बिखरे हुए मिले। सहायक उप निरीक्षक अशोक गजबीय व आरक्षण प्रवीण चौहान ने बताया कि करीबन 5:40 पर एक मालगाड़ी नागपुर रेलवे स्टेशन की तरफ गई थी। आसपास तथा गुरुद्वारा में तैनात गार्ड से पूछताछ पर जांच में पाया कि उक्त मालगाड़ी सिग्नल नहीं होने के कारण उक्त जगह पर खड़ी होने पर कुछ बाहरी लोगों ने गेहूं के बोरे मालगाड़ी में से गिराए हैं। घटना की जानकारी आरपीएफ कंट्रोल रूम को देकर मालगाड़ी के गार्ड से पूछताछ करने पर उक्त घटनास्थल पर 3 से 4 व्यक्तियों को देखे जाने की जानकारी दी। इसीलिए मामला बुकशुदा रेल संपत्ति चोरी होने का पाया गया। मौके पर श्वान पथक की मदद से संदिग्ध की सुरागसी कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। उप निरीक्षक मनोज धायगुड़े ने 2 स्वतंत्र पंचों को बुलाकर उक्त घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जिसमें कुल 6 नग गेहूं के बोरे जिन पर मार्क SC/SC मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड RMS 2021-2022 मैन्युफैक्चर इन इंडिया नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर बॉल CM/L 51000687888 लगा हुआ पाया। गेहूं से भरे प्रत्येक बोरे का वजन अंदाजन 50 किलोग्राम, कीमत अंदाजन 1000 रुपए। इस प्रकार सभी 6 बोरे का कुल वजन अंदाजन 300 किलोग्राम व कुल कीमत अंदाजन 6000 रुपए आंकी गई। आरपीएफ द्वारा इस मामले की आगे की जांच जारी है। दिनांक 14/10/2021 को मंगलवारी पुलिया गुरुद्वारा के पास में एक मालगाड़ी खड़ी थी सिग्नल नहीं होने की वजह से, उसमें से कुल 9 बोरी गेहूं चोरी होने का हमें सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार हमने स्पॉट विजिट किया तो वहां से 9 बोरी गेहूं के हमने सीज किया और गाड़ी का पता लगाया कि गाड़ी कहां जा रही थी, वो अजनी जा रही थी। अजनी FCI में उसका पता किया, चेक करने पर उसमें 9 बोरी गेहूं के कम भी मिले और आसपास से पूछताछ करने पर दिनांक 20/10/2021 को उसमें आरोपी पकड़े गए हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम था धीरज अमर साहू, उम्र 22 वर्ष, माड़ा कॉलोनी जरीपटका नागपुर का रहने वाला है। और इसमें एक आरोपी और है जो मेन आरोपी है जो अभी फरार है। इनका क्राइम करने का तरीका है कि जब गाड़ी सिग्नल नहीं होने के कारण रुकती है तो वो सील तोड़कर वैगन के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से माल गिरा देते हैं, ऐसा इसमें हमारे जाँच में सामने आया है। और अभिनेत्री कंगना रनौत के देश के खिलाफ बोले गए एक वक्तव्य पर संपूर्ण देश में बयानबाजी शुरू है। वहीं नागपुर में कांग्रेस के महाराष्ट्र सचिव ने भी पागलखाना अस्पताल के अधीक्षक को कंगना को भर्ती कराने का पत्र लिखा। पद्मश्री मिलने के बाद कंगना रनौत ने देश को आजाद भीख में मिलने की बात कही, जिस पर घमासान मचा है। इस बयान पर कई नेताओं ने आक्षेप किया। वहीं नागपुर में भी कांग्रेस के सचिव सलीम खान ने पागलखाना अस्पताल के अधीक्षक को पत्र लिखा और कहा कि कंगना रनौत की मानसिक हालत खराब रहने से उन्हें पागलखाना अस्पताल में भर्ती किया जाए। कंगना रनौत को जब यह जानकारी नहीं है कि 1947 के अंदर में देश आजाद हुआ और 2014 में आजादी की बात करती है, जो इससे पहले राष्ट्रपति के हाथों से जो सम्मानित हुआ और जो हमारे वही वीर शहीद जो हुए उनका इसने बहुत बड़ा अपमान किया है। हम चाहते हैं कि देश के राष्ट्रपति ने इसका अवार्ड वापस लेना चाहिए। हम ऐसी मांग नहीं करते हैं और हम राष्ट्रपति कार्यालय से भी हम ये मांग नहीं करेंगे कि जिसके ऊपर में क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, इतने क्रिमिनल केसेस वालों को अगर राष्ट्रपति सम्मानित किया जाता है, इसके लिए हम जो है पूरे देश के वासियों के माध्यम से आज हम ये मांग नहीं करते हैं राष्ट्रपति जी से कि इसका जो है जिस वर्तमान से इसको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया, इसका पद उसको वापस लिया जाए। नागपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक नए मतदार पंजीयन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए, ऐसे आह्वान नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला ने किया है। जिलाधिकारी आर विमला ने एक वीडियो संदेश जारी रखते हुए जनता को जन जागृत करने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं आर विमला, नागपुर की जिलाधिकारी। 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक हमने मतदान नोंदनी का जो एनरोलमेंट का मुहिम शुरू किया है और मेरी आप सबसे विनंती है कि इस दौरान जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष के होने वाले हैं या जिनका जन्म 31 दिसंबर 2003 के पहले हुआ है, ये अपना नाम मतदार कहकर दर्ज करा सकते हैं।
13 और 14 नवंबर को और 27 और 28 नवंबर को हम विशेष मुहिम ले रहे हैं। अगर आप इसका भी वहां पर जाना भी नहीं चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी वोटर ऐप के द्वारा आपका नाम एनरोल कर सकते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि इस मुहिम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अपना नाम वोटर कहके दर्ज कराएं और जो हमारी प्रक्रिया है इलेक्शन की इसकी इसमें बहुत बड़े संख्या में इसमें सहभागी हुए। कामठी ड्रैगन पैलेस टेम्पल द्वारा आगामी 19 से 21 तारीख तक वर्धापन दिन महोत्सव मनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ड्रैगन पैलेस का वर्धापन दिन मनाया जाता है, जिसके तहत इस बार भी 19 से 21 नवंबर तक वर्धापन दिन समारोह मनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा थाई कुंभारे ने दी। दर वर्षी कार्तिक पूर्णिमेच्या पावन पर्वावर विश्वविख्यात शांती शिल्प ड्रैगन पैलेस टेम्पलचं वर्धापन दिन आम्ही साजरा करीत असतो। या वर्षी ड्रैगन पैलेस वर्धापन दिनानिमित्त शुक्रवार दिनांक 19 नोव्हेंबर ते रविवार दिनांक 21 नोव्हेंबर पर्यंत ड्रैगन पैलेस वर्धापन दिन महोत्सव आम्ही आयोजित करीत आहोत। यामध्ये प्रामुख्याने कार्तिक पौर्णिमेला सकाळी 10:30 ड्रैगन पैलेस या ठिकाणी विशेष बुद्ध वंदना व धम्मदेसनेचा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्यामध्ये कुशीनगरमधून आमचे पूज्य भंतेजी ज्ञानेश्वर महाथेरो हे उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्यासोबत भिक्षू संघ सुद्धा उपस्थित राहील। उपस्थित भिक्षू संघाला भोजनदान व चिवरदान सुद्धा देण्यात येईल। या ड्रॅगन पॅलेस महोत्सवाच्या निमित्ताने 19 ते 21 तारखेपर्यंत सायंकाळी 6:30 ते 9:30 विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, ज्यामध्ये मुंबईचे कलाकार तसेच नागपूर विभागातील विविध कलाकार या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होते। महानगरपालिका व ऑरेंज सिटी वॉटर की ओर से इस बार भी जलकुंभ स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इसके कारण लकड़गंज जोन में आगामी 15 से 19 नवंबर तक विभिन्न जलकुंभों से जलापूर्ति बंद रहेगी। आज सोमवार 15 नवंबर को सुभान नगर जलकुंभ, 16 को लकड़गंज जलकुंभ, 17 को भांडेवाड़ी जलकुंभ, 18 को मिनी माता नगर जलकुंभ और 19 नवंबर को लकड़गंज जलकुंभ की स्वच्छता की जाएगी। स्वच्छता कार्य के दौरान इस जलकुंभ से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जलापूर्ति बंद रहेगी। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर द्वारा नागरिकों से पानी का उपयोग जरूरी हो तो ही करने की अपील करते हुए सूचना दी गई है। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर द्वारा सालाना पानी की टंकियों की साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। इस मुहिम के अंतर्गत नागपुर शहर की जितनी भी पानी की टंकियां है जिन्हें हम लोग ESR कहते हैं और मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर MBR जिसे हम लोग कहते हैं और सम्प जो ग्राउंड लेवल पे टंकी होती है वो, इन सारी टंकियों की साफ सफाई का काम हम लोग सालाना करते हैं। उसका काम इस बार शुरू हो चुका है, एक दो जोन के काम हो चुके हैं और बाकी जोन में अभी ये काम नियमित रूप से किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर की इसके लिए एक स्पेशल टीम है और एक स्पेशल मशीन OCW और नागपुर महानगर पालिका ने बनाई है, जिसमें एक दिन में ही यानी कुछ घंटों में 8-9 घंटों में एक पानी की टंकी जो 25 फीट ऊपर है, एक पानी की टंकी वो साफ हो जाती है। इसके द्वारा ज़्यादा लोगों को तकलीफ भी नहीं होती है। एक आध दिन का हमको शटडाउन लेना पड़ता है मगर पानी की टंकी साफ होती है, इसलिए आपके घरों तक पानी भी पीने का पानी अच्छी तरीके से आता है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।